मैं उन सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगी, उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी जिनको जब जिनकी चाहते पूरी नहीं होती तो वो निराश हो जाते हैं। तुम निराश क्यों हो रहे हो? इसलिए क्योंकि तुमने जिस चीज को पाने की चाहत की थी, जिस चीज को पाने की ख्वाहिश की थी, वो तुमसे दूर चली गई। बस एक मर्तबा खुदगर्ज ना बनकर उस ढलते हुए आफ्ताब से पूछो, आफ्ताब यानी सूरज, उस ढलते हुए आफ्ताब से पूछो जो रोज ढलता है, जो रोज ढलता है, ताकि वो जो आसमान में चांद सितारे हैं ना, वो अपनी चमक से उस जहान को रोशन कर सके। क्या कभी उन गिरती हुई बारिशों की बूंदों से पूछा है? क्या कभी उन गिरती हुई बारिशों की बूंदों से पूछा है कैसा लगता है उन्हें उन बादलों से बिछड़कर, कैसा लगता है उन्हें उन बादलों से बिछड़कर? वो भी उन बादलों से बिछड़ती हैं, वो भी उन बादलों से बिछड़ती हैं, ताकि वो उस हर इंसान की जरूरतों को पूरा कर सकें जिनकी लाइफ या जिनका गुजारा उसके बिना नहीं हो सकता। क्या कभी उस टूटते हुए सितारे से पूछा है कैसा लगता है उसे उन्हें उन अपने हिस्सों से अलग होकर, कैसा लगता है उन्हें उन अपने हिस्सों से अलग होकर, लेकिन वो फिर भी टूटते हैं ना यार, क्योंकि उन्हें लोगों की ख्वाहिशें जो पूरी करनी होती हैं। तुम बस इस चीज को लेकर परेशान हो कि जिस चीज को पाने की चाहत की थी तुमने, वो तुमसे दूर चली गई, तुम्हें नहीं मिली। तो सीखो उस ढलते हुए आफ्ताब से जो रोज ढलता है, लेकिन उसमें ढलने के बाद भी इतनी ताकत होती है कि वो कुछ देर तक अपने आगे किसी को नहीं चमकने देता। तो सीखो उन बारिशों की बूंदों से जो बादलों से अलग तो होती हैं, लेकिन उनमें अलग होने के बाद भी इतनी ताकत होती है कि वो सैलाब ला सकें। सीखो उस हर टूटते हुए सितारे से जिनमें टूटने के बाद भी इतना तेज होता है कि अगर वो पास हो ना तो उन्हें छूने तो दूर, उन्हें देखने की भी ताकत नहीं होती है किसी में। बस इतना याद रखना, सॉरी, क्या हो गया अगर वो चीज तुम्हें नहीं मिली? क्या हो गया अगर जिस चीज की चाहत तुमने की थी वो तुमसे दूर चली गई? अगर वो चीज तुम्हारी है ना तो हर हाल में तुम्हें ही मिलेगी, अगर वो चीज तुम्हारी है तो हर हाल में तुम्हें ही मिलेगी, और अगर ना मिले तो ये मान लेना कि वो चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं। थैंक यू।